हाँ है बीजी, ये क्या हो गया? बीजी ये क्या कह दिया बीजी आपने? अगर आप कुछ नहीं कहती तो शायद बात इतनी नहीं बिगड़ती। अब तो नहीं मदन, मैंने जो कुछ भी किया है सही किया है। मैं जानती हूं, मैंने तुम्हें कहा था कि ये दुनिया की रीत है, लड़की वाले हमेशा झुकते आए और हमेशा झुकते ही रहेंगे, लेकिन उस रीत से भी ऊंचा एक मां बेटी का प्यार है। मैंने इनकी मां को कभी पसंद नहीं किया, हमेशा नफरत की उससे, ये सोचकर कि उसने मेरे बेटे को मुझसे बहुत दूर कर दिया है। और वो दर्द आज तक मेरे सीने में, लेकिन आज उसी दर्द ने मुझे एहसास दिलवाया है कि वो हार सिर्फ एक हार नहीं है, एक मां का प्यार है। और मैं ये प्यार किसी को छीनने नहीं दूंगी। का घर बसे इसके पहले ही उजाड़ दिया। तुझसे इस बच्ची की खुशी सहनी नहीं होती है। तुम मेरी बच्ची बिचारी न बाप न वे कुछ, अकेले बच्चे मेरे। अगर आज हमें सबसे ज्यादा किसी पर गुस्सा आ रहा है ना, तो अपने आप पर आ रहा है बाबूजी, कि कैसे कैसे हमने किसी को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कर दी। अपने ही बहन के लिए हम ऐसा रिश्ता कैसे ले आए? क्यों, क्या हुआ? अगर बाबूजी मानवी ने ऐसी बात की होती तो हमें कोई हैरानी नहीं होती, लेकिन बीजी ने ऐसी बात की और जब हम नाराज होकर वहां से चलने लगे तो किसी ने हमें रोकने की कोशिश भी नहीं की। इसका मतलब क्या समझे हम बाऊजी? सोमनी बेटा, इसके मतलब तो बहुत निकलते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसे किस नजरिए से देखा जाए। ये तो भावनाओं का खेल है बेटा। आपको क्या लगता है कि हम भावनाओं को नहीं समझते? बेटा मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, मैं ये कहना चाहता था कि जिंदगी की भाग दौड़ में कई बार हम बड़ी बड़ी चीजों के बीच छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। आओ बेटा, मैं तुम्हें कहानी सुनाना चाहता हूं। आओ ना बेटा, बैठो, बैठो ना स्वामी, बैठो। एक बच्ची अपने भाई को बहुत प्यार करती थी, दोनों की उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। बहन भाई से 2 साल बड़ी थी। एक बार अपने भाई के जन्मदिन पर उसकी बहन ने उसे एक पेन तोहफे में दिया। हालांकि पेन बहुत ज्यादा कीमती नहीं था, फिर भी उसका भाई उसे हमेशा अपने सीने से लगा कर रखता था, क्योंकि उस पेन में उसकी बहन का प्यार समाया हुआ था। फिर धीरे धीरे वक्त की रफ्तार चलती गई, बच्चे बड़े हुए, भाई की शादी हो गई और शादी के बाद उसके बेटा पैदा हुआ। लेकिन कुछ सालों के बाद उसके भाई का इंतकाल हो गया, लेकिन मरने से पहले उसके भाई ने वो पेन अपने बेटे को दे दिया और उसके बेटे ने उस पेन को हमेशा अपने सीने से लगाए रखा, क्योंकि मुश्किल वक्त में बेटा उसके पिता का पेन उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाता था। स्वामी ने जानती हो बेटा, वो बच्ची कौन थी? वो बच्ची तुम थी स्वामिनी, और विक्रम तुम्हारा छोटा भाई था, और वो पेन आज भी वीरन के पास है।
देखो स्वामी, वीरन की शादी तुमने तय की है। जीविका को तुमने पसंद किया बेटा, एक बात तो माननी पड़ेगी, वो लड़की लाखों में एक है और ये हमारे सौभाग्य की बात है बेटा कि वो बच्ची शादी करके हमारे खानदान का हिस्सा बन रही है। अगर तुम्हारे मन में किसी किस्म का कोई संदेह है तो बेटा उस पर विचार करो। तुम्हारा फैसला हमारा फैसला बेटा, वीरन तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन बेटा मेरी एक ही गुजारिश है, इस फैसले को सोच समझ कर करना।